उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद और केंद्रीय भाजपा मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी लगातार विकास कार्य को तेजी दे रहे हैं। इसी तर्ज पर उन्होंने उत्तराखंड को दो नई सौगात दी है, जिनमें गढ़वाल और कुमाऊं को दो नई रेल सेवाएं मिली हैं। इसके लिए अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्रालय से निवेदन किया था, जिसको जल्द स्वीकृति मिल गई और दोनों रेल लाइन के नाम भी अनिल बलूनी द्वारा सुझाए गए और उसे स्वीकृत कर लिया गया। इनमें कोटद्वार और टनकपुर से चलने वाली दोनों रेलगाड़ियां प्रदेशवासियों को खासा सुविधा देंगी। एक बार में हजारों यात्री आवागमन कर सकेंगे, पहाड़ी जनता को कम पैसों में सुगम यात्रा उपलब्ध हो सकेगी। डबल इंजन की ताकत क्या होती है, राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी इसे बेहतर ढंग से जानते हैं। केंद्रीय मंत्रियों से उत्तराखंड में कोई भी विकास कार्य करवाना हो वो शीघ्रता से कराते हैं। प्रदेशवासियों को भी उनसे आगे खासा उम्मीदें हैं। बता दें कि टनकपुर से चलने वाली ट्रेन का नाम पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस रखने का अनुरोध किया गया था, जिसे केंद्र मंत्रालय ने स्वीकृति दे दी है। कोटद्वार से नई दिल्ली और टनकपुर से नई दिल्ली तक चलाने के लिए दो नई जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेनों को स्वीकृति मिल चुकी है। वर्तमान में ट्रेनों में स्टॉपेज रूट और टाइम टेबल पर तेजी से कार्य जारी है। सांसद अनिल बलूनी का कहना है कि रेल मंत्री ने एक और समाचार दिया है, इसी महीने के अंत तक दोनों ट्रेनों का संचालन प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके लिए तेजी से कार्य कर रहे सांसद अनिल बलूनी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का आभार प्रकट किया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य कर रही है। हमारा उत्तराखंड में सदैव से मानना रहा है कि उत्तराखंड के विकास के लिए रेल कनेक्टिविटी, रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी एवं मोबाइल कनेक्टिविटी, इन चारों चीज़ों पर तेजी से काम होना चाहिए, जिससे उत्तराखंड का विकास भी हो एवं उत्तराखंड के लोगों का जीवन सहूलियत भरा भी हो। आप लोगों को ध्यान होगा कि पिछले दिनों मैंने रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी से आग्रह किया था कि टनकपुर से दिल्ली एवं कोटद्वार से दिल्ली दो नई जनशताब्दी एक्सप्रेस चलाई जाए। उन्होंने इसको स्वीकार भी कर लिया था। मैंने उनसे यह भी आग्रह किया था कि कोटद्वार से चलने वाली जनशताब्दी एक्सप्रेस का नाम सिद्धबली जनशताब्दी एक्सप्रेस एवं टनकपुर से चलने वाली ट्रेन का नाम पूर्णागिरी जनशताब्दी एक्सप्रेस रखा जाए। मेरे को भी बड़ा आनंद हो रहा है कि आदरणीय पीयूष गोयल जी ने ये दोनों नामों को भी स्वीकृति दे दी है और उन्होंने मुझे यह भी अवगत कराया है कि इसी माह के अंदर दोनों ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी का बहुत बहुत आभारी हूँ और उत्तराखंड के विकास के लिए इसी प्रकार से उनका सहयोग हमको सदैव मिलता रहेगा, ऐसा मैं आकांक्षी हूँ। धन्यवाद।